अस्सलाम वालेकुम। मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चले ब्लॉग बना लूँ। एक्चुअली याद ही नहीं रहता बनाना, और आजकल तो मेरी याददाश्त इतनी वीक हुई है कि मैं वज़ू करके आती हूँ बाथरूम से और मुझे आके नमाज़ पढ़नी भूल जाती है, और ये मुझे इतनी डिस्टर्ब करती है बात कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है ना इसी एज में ख़राब डिलीट हो जाती है मेमोरी। तो चलें अभी मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, तो देखते हैं अभी पूरे दिन में मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ। ऐसा कुछ हैपनिंग होता नहीं है एक्चुअली। तो लेट्स गो, दिस इज़ माय जानमाज। मैंने एक्चुअली एक और ऑर्डर किया, ये ना फोम वाला जानमाज है, लेकिन ये ना इस पर नमाज़ पढ़ पढ़ के ये भी थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। ये देखिए ना थोड़ा सा, तो अब मैंने इसको रख के ऊपर रखा होता है क्योंकि मुझे एक्चुअली ना ये घुटनों में ना बहुत ज़्यादा चुभती है ज़मीन। तो अब मैंने एक और जानमाज ऑर्डर किया है, उसकी थोड़ी मोटी पैडिंग है, लेकिन उसको भी इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं है। कुछ 5 दिन पहले तो मुझे मैसेज आया था कि डिस्पैच हो गया और अभी तक मुझे आया नहीं, तो वो आएगा। तो फिर ये भी यूज़ किया करूँगी, बट ज़्यादा कोई यूज़ किया करूँगी। और कमरे की मेरी और हालत नहीं है थोड़ी सी, जो मैं आपको कुछ छोड़ देता हूँ। आए किचन में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। ये मैं भी आई हूँ किचन में, स्पीकर के ऊपर मेरा हाथ आ गया था, तो ये ज़्यादा कुछ बना रही है। क्या बना रही हो? कीमा आलू बना रही हूँ। कीमा आलू में पानी भी डालता है? जी वो जब थोड़ा सा डालते हैं थोड़ा सा, तो नहीं मैनू लग रहा। तुम रूह अफ़ज़ा बना रही हो अपने लिए? और ये किस लिए? ड्राइवर के लिए बना रही। ये हांडी की स्मेल मुझे हमेशा छींके आती है, इसलिए मैं कभी कुछ बना नहीं सकती। ये पकोड़ों का सामान है ज्यादा तुम्हारा, और तुम्हें शर्म आ रही है, तुम भाग क्यों रही हो? और ये मेरे दही भल्ले हैं। मेरी सब्ज़ मिर्च थोड़ी कम काटना, बहुत कड़वी होती है। हाँ, तो इसमें काटने लगी अब, काट रही हूं, ये धो के रखी हैं। ठीक है, दो आपकी काट देती हूं। नहीं, एक ही काटूं मैं। हाँ, और इसके बाद अभी तुम इफ्तारी का शुरू करोगी? 5 बज गए हैं बाजी, वो आज लेट सौदा आया ना, तो इस वजह से थोड़ा सौदा जल्दी आंदा किस दिन ने सानू वो दिन दसो। मैं अभी नहा के निकली हूँ और मेरा कोई मूड नहीं था, बस फुल ऑन लेजी मूड। तो मेरा मिट्ठू मुझे लेने आ गया, कहते आ जाओ हमारी तरफ। मेरा मन कर रहा था कि तुम आओ, मन जो ये लफ्ज़ है ना यूट्यूब से बच्चों ने सीख लिया जो, तो मैंने कहा चलो आप बाहर, तो मैं आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपना मिट्ठू। इर्तज़ा, इर्तज़ा, कानों में लगाई हुई है टूटियां दोनों ने। चलो चलें, चलें, तो पॉज करो ना बेटा, चलो चलें। बाहर तो बारिश हो रही है भाई। ओ आई डोंट लाइक बारिश, बड़ी मजुलझन होती है बारिश से। ये देखिए जहाँ भी होते हैं जिधर भी होते हैं आईपैड को और हेडफोन्स को नहीं छोड़ते, ऑब्सेस्ड बच्चे। इट्स रेनिंग, मैं आ गई हूँ मिट्टू के पास। ये चेक करना ज़रा इसको कर क्या रहा है। ना करो क्रेजी बच्चा, कर लिया। ये देखें कौन टपक पड़ी आज, बोलो कुछ। कुछ नहीं, बस परेशानियां बहुत हो रही हैं बेटा, पहले पैदा हो लें अपनी
थोड़ा सा उग लें फिर परेशानी लेना। उगे हुए हैं लेकिन यार आप बताएं आपको क्या परेशानी है। आपको ये परेशानी है कि आप खाना नहीं खा पा रहे अभी, आपका रोजा है। और आपको क्या परेशानी है? मेरा रोजा है। आपकी ये परेशानी है कि आपको रोजा है? हाँ। और आपको लग रहा है? हाँ। बोलो हाँ, मैंने तो अभी पराठा खाया है। और मैंने अभी तो पराठा खाया है। तो फिर आपका रोजा कैसे है? और मेरा ऐसे बंद होता है ऐसे ऐसे। इसका ऐसे खुली है। आपकी क्या परेशानी है? आप सबकी परेशानी है। वो आपके पीछे वो, हाँ उनकी ये परेशानी है वो उनकी, कि वो सबकी परेशानी है ना नैने? आपका पानी की बना रही हूँ ये नैनू का पानी। नैनू आप बताओ आप किसके बेटे हो? तारा। सिर्फ मेरे? हाँ। ये हाई फाइव। चले अब हमें महविश थोड़ा रो के दिखाएगी। महविश रो के दिखाओ। चलो रोना आता नहीं, रोना कैसे आप बड़ा रोया भाई। तुम्हें तो बड़ी परेशानी है ना जिंदगी में, तो चलो फिर हम कैसे माने, रो के दिखाओ हमें। परेशानी वाले दांत तो नहीं निकालते। हंस के नहीं, रो के दिखाओ हमें। पहले बड़ा रोया बेटा, जिंदगी में बड़ा रोई हूं, अब रोना नहीं आता। केड़ी जिंदगी, किन्नी जिंदगी लंघा ली तू? 15 साल है? चल पांच जिंदगी। इर्तिजा ये कह रही है मैं 15 साल की हूँ और मैंने बड़ी परेशानियां देख ली हैं। लगाई हो ना इसके मुंह पे एक, ये निब्बा निब्बी नहीं होते जो आजकल वायरल हो रहे टिकटॉक पे, वो ज्यादा ही। दिस इज माय व्लॉग। गाड़ी में बैठे हुए कौन इनको रोजा लगा हुआ, इनका कसूर नहीं है। चलो आ रहा है ना पीछे, वो आ गया। बहुत अच्छा वेदर है भाई आज। ऐसा ही मौसम है गुजरात में भाई। हाँ अच्छा ही होगा। हम बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं? आपकी मामा ने मुझे कहना है क्यों मेरे बेटे को बाहर ले गई। ध्यान से कोई गाड़ी ना आए आगे। नैनू आराम से, नैनू आगे कोई गाड़ी ना आ जाए। ओए मैं विश डरा दिया मुझे। दो उसको भी प्रेस नहीं, बाउंस प्रेस। प्रेस करना पता किसको कहते हैं? प्रेस करना इतना इसको। प्रेस ये होता है प्रेस। ओए नहीं उसको ना करो, देखना आगे से गाड़ियां बड़ी तेज आती हैं। ये हम आ गए मेन रोड पे। आना तो मैंने नहीं था, बाहर ले आए हैं मुझे ये लोग। ओ ध्यान से गटर यार, मेरा बॉल गटर में फंस गई है। नैनो बॉल गटर में बैठ गया, मेरा बॉल गाड़ी आ रही है। गाड़ी मैंने कहा है ना बड़ी, उसको देखो पता भी है बंदे खड़े हैं कितनी स्पीड में आए। जा हिल लोग ऊंचा बोलो। बड़ा दुख हुआ है इस फूलों को हाथ तोड़ने का, नीचे गिरा दिया मैंने सारे। तो क्यों तोड़े हैं? दुख हो रहा है तो वापस नहीं लग सकता बेटा, आपका पिताजी का पेड़ नहीं है। आज नैनू जी चलें, लेट्स गो गाइस, रोजा खुलने वाला है। अच्छा जी मैंने कल का व्लॉग शुरू किया था, आज एंड कर रही हूँ और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूंगी डेली का व्लॉग बना सकूं, बट ओके अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़ गाइस। तुम भी बोलो अल्लाह हाफिज़। नैनू बाय बोलो। बाय अल्लाह हाफिज़। हम उधर भी तुम आते हैं। अल्लाह हाफिज़ बोलो। बाय अली फिर हाफी फीव। अल्लाह हाफिज़।